महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के जारी किचकिच अब जाकर के ऐसा लगता है शांत होने वाली, क्योंकि सीट बंटवारे का लगभग अब पेच सुलझता नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस ने इसको उलझा रखा था क्योंकि उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे थे और उद्धव की नाराजगी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस को हटा करके फिर हाईकमान एक्टिव हुआ और नाना पटेलों को साइडलाइन करके बाला साहेब थोराट को इस पेच को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके बाद आज ये पेच सुलझता हुआ नजर आया। कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से साफ साफ इस बीच में कह दिया गया था कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से अब कोई बात नहीं होने वाली, क्योंकि उनके मुताबिक नाना पटोले जानबूझकर सीट शेयरिंग का पेच सुलझने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज बाला साहब थोराट के प्रयासों से पहले सुबह मीटिंग हुई शरद पवार से और उसके बाद दोपहर के बाद शिवसेना के नेताओं के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद सीट के बंटवारे पर लगभग मुहर लग गई है। और इसी बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 90 से 95 सीटें मिलनी तय हो गई हैं। इसके अलावा शरद पवार खेमे को 75 से 80 सीटें मिल जाएंगी और 105 से 110 सीटों पर खुद कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। ये सारा आज का गणित पास हो गया है। दरअसल सबसे बड़ी बात यही थी कि ठाणे और उसके आसपास विदर्भ की सीटों को लेकर के ही पेच फंसा हुआ था, बाकी सीटों पर लगभग बात बन गई थी, लेकिन 30 से 40 सीटों पर बात फंसी हुई थी। लेकिन नाना पटोले जो 2018 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो इस पूरे गठबंधन को बना नहीं रहने देना चाहते, इसीलिए उद्धव ठाकरे नाराज हो गए और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब सीट बंटवारे को लेकर के महाराष्ट्र के किसी भी कांग्रेस के नेता से बातचीत नहीं होगी। दरअसल नाना पटोले के बारे में पहले ही इस बारे में संजय राउत ने कह दिया था कि प्रदेश कांग्रेस नहीं चाहती कि ये गठबंधन रहे और प्रदेश कांग्रेस का जो रुख है वो शिवसेना के मुताबिक नहीं। शिवसेना को पहले से ही एक दो बैठकों के बाद ये एहसास होने लगा था कि बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही, इसीलिए शिवसेना भी पूरे प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने सिर्फ लोकल की ऊपर भरोसा करने से बेहतर पार्टी आला कमान ने इसकी जिम्मेदारी खुद उठाई, क्योंकि लोकल को लेकर के यानी स्थानीय नेताओं के ऊपर भरोसा करके कांग्रेस पार्टी हरियाणा में गच्चा खा चुकी है। ऐसे में वो विदर्भ और मुंबई जैसे तमाम जगह जहां पेच फंस रहा था वहां स्थानीय नेताओं के भरोसे वो नहीं रह सकती थी, इसलिए कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से बाला साहब थोराट को दिल्ली से मीटिंग के बाद भेजा और उन्होंने इस गणित को सुलझा लिया है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश थी कि इस बार यहाँ भी 45 से ज़्यादा सीटों पर वो लड़े। शिवसेना UBT रामटेक और नागपुर के आसपास की सीटें कांग्रेस से मांग रही थी। हालांकि इसको लेकर के पहले भी एक बात हुई थी कि कांग्रेस की कुछ जीती हुई सीटों पर भी शिवसेना अपना प्रत्याशी उतारना चाहती थी, इन पर भी पेच फंसा हुआ था। इसी तरह मुंबई की सीटों पर नाना पटोले दावा कर रहे थे, जो कि अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो परंपरागत सीटें हैं वो अब उनके पास जाती हुई नजर आ रही, यानी पूरे रायते को जो समीकरणों का फैला हुआ था उसे बाला साहब थोराट ने आखिरी दम तक अपना अब जा करके इस पूरे रायते को बाला साहब थोराट ने समेट लिया है। दरअसल दिग्गज नेता बाला साहब थोराट विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दिल्ली से लेकर गए थे और थोराट महाविकास अघाड़ी के निर्माण के वक्त से कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार से उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, इसीलिए दोनों के बीच में ट्यूनिंग अच्छी है और उन्होंने ही समझा लिया। हालांकि कहा जा रहा है कि उनके लिए ये आसान नहीं था, इसकी दो वजह बताई जा रही थी। एक, थोराट और कांग्रेस हाईकमान विदर्भ की अगर कोई सीट छोड़ भी दे तो नाना आसानी से मान जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। 2024 के चुनाव में सांगली सीट शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को मिली थी, लेकिन यहाँ से कांग्रेस के नेता विशाल पाटिल निर्दलीय उतर गए। शिवसेना को यहाँ से तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। चुनाव बाद विशाल की वापसी कांग्रेस में हो गई थी। इसके अलावा अन्य भी सवाल हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में बात बन गई है और जो सीटों की जो स्थिति थी वो लगभग लगभग क्लियर हो गई है।
अब माना जा रहा है कि महाअघाड़ी की तीनों पार्टियां जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जो कि 12 सीटों पर अपने दावे ठोक रही है, उनके मौजूदा वक्त में 2 विधायक हैं। इसके अलावा 4 टिकटों की घोषणा हो गई है, उसको लेकर के क्या इस मीटिंग में चर्चा हुई है, इसका भी आज खुलासा होने की पूरी उम्मीद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।